हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजीकेम ट्यूटर। मैं हूं विभुदत्त गिरी। आज आपके लिए लेके आया हूं एग्जांपल्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन सीरीज में ट्रिक टू रिमेम्बर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। यहां पे हम बात करेंगे अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो रिएक्शन को हम कैसे याद रखेंगे। ये ट्रिक एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। स्टोरी ऐसे है, एक 12 साल का लड़का, उसका ब्रदर मुंबई में CST के आसपास घूम रहे थे। CST मतलब महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये आसपास घूम रहे थे। अचानक 12 साल का लड़का बोला, है ब्रो स्टॉप, ट्रिक हमारा शुरू हो गया, है ब्रो स्टॉप। ये कितने साल का लड़का बोल रहा है ना, 12 साल का लड़का। मैं यहां पे 12 लिख देता हूं, हाय ब्रो स्टॉप। हॉल पुलिस स्टेशन, हॉल पुलिस स्टेशन, ठीक है। 12 साल का लड़का क्या बोल रहा है, हाय ब्रो स्टॉप, हॉल पुलिस स्टेशन। टू लॉक CST 1 को बंद करना है, इसीलिए पुलिस स्टेशन को फोन करना है। तो उसके भाई के पास एक मोबाइल फोन है, कौन सा मॉडल का, कौन सा ब्रांड का है, ETC ब्रांड का है और आई मॉडल है। वो मोबाइल वो इसको 12 साल लड़का को प्यार से दे दिया। ठीक, समझ में आ गया। एक 12 साल का लड़का अपने भैया को क्या बोल रहे, हाय ब्रो स्टॉप, फोन पुलिस स्टेशन, टू लॉक CST 1। अभी जो इसका भाई क्या ना, अपने पास जो था ETC आई का सेल फोन था, वो प्यार से उसको दे दिया, बोला तू खुद फोन कर ले। चलो हाय ब्रो, इसका मतलब है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहां पे जो स्टॉप लिखा है, स्टॉप S का मतलब है सेकेंडरी और T का मतलब यहां पे टर्शियरी, नोट कर लेना। मैं यहां पे बता रहा हूं रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे। तो हमारे जो एग्जांपल्स ऑफ SN1 SN2 का सीरीज चल रहा है, तो कौन सा रिएक्शन SN1, कौन सा रिएक्शन SN2, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे अल्कोहल का जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सेकेंडरी, S फॉर सेकेंडरी, T फॉर टर्शियरी, यहां पे जो P है, P फॉर प्राइमरी। ठीक, ये जो ST एक साथ है, इसके लिए हम 1 यूज करेंगे। मैं यहां पे जितने भी नंबर यूज करूंगा, यहां पे जितने भी नंबर यूज करूंगा, ये नंबर 1 मतलब SN1, 2 मतलब SN2, ST एक साथ है तो पहला इसके लिए 1 नंबर, P के लिए 2 नंबर, O के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब ये हुआ, हाई ब्रो के लिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड मैंने लिख दिया, ST मतलब S का मतलब सेकेंडरी, T का मतलब टर्शियरी। ठीक, और ये 1 का मतलब क्या है ना, ये 1 का मतलब है SN1 और ये 2 का मतलब है SN2 रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है, टर्शियरी अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन होगा, SN1। ये याद रखना है, हाई ब्रो स्टॉप। ये कौन बोल रहा है ना, ये 12 साल का लड़का बोल रहा है, इसीलिए पहला वाला नंबर जो 1 है SN1, 2 का नंबर मतलब क्या है SN2। तो 3 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म है, SN2। 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे मैंने लिखा है ना सेकेंडरी टर्शियरी के लिए 1, प्राइमरी के लिए 2, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये भी SN1 मैकेनिज्म का होगा। और 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होगा, ये SN2। ये इसका मतलब, ये मतलब इसको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, ये ट्रिक मैंने बता दिया। हाँ, इसके लिए हम एग्जाम्पल करेंगे, बट पहले मैं ट्रिक को कंप्लीट कर लेता हूं।
देन उसके बाद क्या आया है, फोन पॉलिस्टेशन। फोन के लिए मैं पीएस लिख देता हूं, फोन के लिए मैं पीएस लिख देता हूं। यहां पे पीएस का फुल फॉर्म मैं इस क्या यूज कर रहा हूं, पीएस किसके लिए यूज कर रहा हूं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस हलाइड। और पॉलिस्टेशन को हम पीएस भी लिखते हैं ना, पॉलिस्टेशन हम पीएस लिखते हैं। यहां पे पी का मतलब है प्राइमरी और एस का मतलब है सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पे टू का मतलब ऐसे टू मान के चलो, नंबर टू। यहां पे जो स्टेटमेंट में टू है यहां पे मैं टू लिख दिया, नहीं मैं नंबर टू, तो इसका मतलब क्या हो गया SN2। इसका मतलब क्या है SN2, तो हमारा यहां पे क्या हो गया देखो, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ ये वाला अल्कोहल के लिए, कौन अल्कोहल ना, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल अगर फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा ये SN2 का रिएक्शन होगा। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड, मान लो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड या फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, ये दोनों रिएक्शन कौन सा वाला रिएक्शन होगा SN2। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड के साथ भी क्या होता है SN2। और याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड के साथ नो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, SN2 रिएक्शन, तो यहां पे नो सब्स्टिट्यूशन, यहां पे एलिमिनेशन हो जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं 3 डिग्री अल्कोहल PX3 क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। मैं एग्जांपल बाद में, यहां पे एग्जांपल हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं ट्रिक के ऊपर काम करता हूं। समझ में आ गया, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल अगर फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है ये कौन सा मैकेनिज्म में आता है, SN2 मैकेनिज्म में आता है। और ये भी हम जानते हैं 3 डिग्री टर्शियरी सब्सट्रेट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, तो कौन सा वाला रिएक्शन होता है वहां पे ना, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अभी लास्ट आते हैं लॉग टू का था ना लास्ट में, टू लॉग सी एस टी वन। लॉग का मतलब है लुकस, यहां पे लॉग को लुकस मान के चलो। सी एस टी में सी कुछ भी नहीं है, एस है सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी, टी फॉर टर्शियरी, और यहां पे वन का मतलब क्या है एस एन वन, मैं यहां पे बताया था ना। यहां पे जो मैं नंबर यूज करूंगा ये वन का मतलब है एस एन वन, टू का मतलब है एस एन टू। मतलब यहां पे जो लुकस है, लुकास रिएजेंट कौन सा वाला है, लुकास रिएजेंट मतलब क्या है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़ेलेनिक एसिड। लुकास रिएजेंट कौन है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ZnCl2। अगर अल्कोहल के साथ HCl ZnCl2 का रिएक्शन दे रहा है तो इसका मतलब ये अल्कोहल का लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अगर अल्कोहल सेकेंडरी है टर्शियरी है तो SN1 होगा। तो इसके हम ये याद रखेंगे, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके साथ कौन ट्रीटमेंट हो रहा है ना, HCl ZnCl2। ये कौन सा मैकेनिज्म का होगा ना, ये SN1 का मैकेनिज्म का होगा। 3 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल अगर HCl ZnCl2, तो ये मतलब लुकास रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये कौन सा मैकेनिज्म में चला जाता है ना, SN1 मैकेनिज्म। अगर मैं बताऊंगा यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ मैं HCl ZnCl2 का रिएक्शन करूंगा, तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा ना, ये होगा SN2 का मैकेनिज्म। ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल HCl ZnCl2 में कौन सा वाला मैकेनिज्म होगा ना, SN2 मैकेनिज्म होगा। मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, जितने भी मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जितने भी हमारा अल्कोहल का रिएक्शन है, वो रिएक्शन हम कैसे याद रखेंगे, बस इसके लिए मैं यहाँ पे एक निमोनिक तैयार किया है, वो निमोनिक को आप याद रखेंगे तो अपने आप ये रिएक्शन भी याद हो जाएगा। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो 4 रिएक्शन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसका
डिटेल एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसका भैया क्या किया ना, प्यार से उसके पास जो था सेल्फ, प्यार से मैं यहां पे प्यार से भैया क्या बोला ना, टेक ईटीसी आई। भैया ने क्या किया ना, प्यार से उसके पास जो ईटीसी आई का जो सेल फोन था वो इसको दे दिया। तो कैसे याद रखेंगे, मैं यहां पे जो टेक लिख रहा हूं, टेक मतलब टीसी लिख के मान के चलो, टेक को टीसी मान के चलो, ईटीसी आई यहां पे ई फॉर इथर, यहां पे टीसी का मतलब है थायोनिल क्लोराइड, यहां पे टीसी का मतलब क्या है थायोनिल क्लोराइड, और यहां पे आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है ना एसएनआई मैकेनिज्म, आई का मतलब क्या है एसएनआई मैकेनिज्म, और प्यार से मतलब पीरिडिन, यहां पे प्यार से मतलब क्या है पीरिडिन। तो प्यार से बड़े भैया क्या किया ना, प्यार से बोला टेक ईटीसीआई, अपने पास जो ईटीसीआई का सेल फोन था वो प्यार से 12 साल लड़का को दे दिया, तो तू फोन कर। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा लास्ट में प्यार से टेक ईटीसीआई, ठीक। टीसी का मतलब मालूम हो गया, टीसी का मतलब क्या है थायोनिल क्लोराइड, अगर ऐसे लिखा है अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ एसओसीएल टू इथर, या और ऐसे भी लिखा जाता है सिंपल अल्कोहल एसोसिएल टू मतलब थायोनिल क्लोराइड, ये कौन सा मैकेनिज्म ना एसएनआई मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, इथर दिया जाएगा और प्लेन सिंपली एसोसिएल टू दिया जाएगा, एसोसिएल टू के साथ इथर है या सिंपली एसोसिएल टू दिया जाएगा, वो कौन सा मैकेनिज्म होगा एसएनआई, ठीक। अगर अल्कोहल के साथ एसोसिएल टू है, इसके साथ पिरिडिन है, प्यार से मतलब पिरिडिन है, तो ये होगा एक SN2 का रिएक्शन, ये कौन सा वाला रिएक्शन होगा SN2 का रिएक्शन, समझ में आ गया। ये था पूरा जितने भी अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक तुमको बता दिया। तो ये निमोनिक को याद रखेंगे, याद रखेंगे तो पूरा रिएक्शन हमको याद हो जाएगा, ठीक, कौन सा रिएक्शन SN1, कौन सा रिएक्शन SN2। हमारा एग्जाम में हम तो सब समझते हैं ये SN1 ये SN2, बट एग्जाम के लिए हमको याद होना चाहिए, क्वेश्चन देखेंगे इसके लिए हमको याद होना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, कौन सा वाला अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl ZnCl2, तो पता होना चाहिए ना HCl ZnCl2 तो अल्कोहल से जो रिएक्शन करेगा वो कौन सा मैकेनिज्म में चला जाता है, ये SN1 में जाता है, तो SN1 मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी याद होना चाहिए। तो SN1 में क्या आता है, इंटरमीडिएट कार्बोकार्बन, तो जो कार्बोकार्बन इजीली फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब जो कार्बोकार्बन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। बस इसके ऊपर हम क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज का जो वीडियो मेरा था ये एक ट्रिक था, हाई ब्रो स्टफ, 12 साल का लड़का बोल रहा है हाई ब्रो स्टफ, फोन पॉलिस स्टेशन टू लॉक CST1, और बड़े भाई क्या किया ना, अपने प्यार से अपने पास जो था ETCI का सेल फोन वो उसको दे दिया, बोला सर तू फोन कर ले, ठीक। अगर आपको ये ट्रिक रिएक्शन याद रखने की जो ट्रिक मैंने बताया था वो ट्रिक आपको पसंद आया होगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना, और जो नया आया हो मेरे चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो नया वीडियो आएगा तो अपने पास नोटिफिकेशन आ सकता। तो इसके हिसाब से आज का लेक्चर ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे ये जो चार रिएक्शन मैंने बताया, ये चार रिएक्शन का एग्जांपल और इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैकेनिज्म वगैरह लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।